students, myself Yadunisha, behalf of Pama School, I am here to teach you EVS to class 4. In previous session, we learned part 1 of chapter number changing times. Today I am going to start part 2 of chapter number 12, changing times. So let's open the page number 95 of your textbook. Changes in the houses. As we discussed, Neelabai's family moved from Pakistan to India and they settled in Dholavi, in the village of Kharjaria at Jairamnagar. Time passed quickly. We worked hard and settled. Time गुजरता गया और हम वहाँ सेटल होते गए. हम यहाँ यानी काफी मेहनत करने के बाद सेटल हो गए. मदर एंड फादर वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड नाउ. और मेरे मदर फादर चाहते थे कि अब मैं शादी करूँ. आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम. मैं ऐसा चाहता था कि जैसे मेरी शादी हो उससे पहले हमें अपना घर रिपेयर करवा लेना चाहिए, मीन्स रिनोवेट करवा लेना चाहिए और एक अलग से एक रूम और बनाना चाहिए. इन दोज डेज पीपल इन सिटीज वी आर यूजिंग सीमेंट. उस समय में सिटीज में यानी लोग जो घर बनाते थे वो सीमेंट यूज करते थे, मीन्स दे आर मेकिंग हाउस ऑफ सीमेंट ब्रिक स्टोन एंड दे आर प्रिपेरिंग पक्का हाउस. दे सेड दैट दिस मेड द हाउस इज स्ट्रॉन्गर. और उनका कहना था कि इससे यानी घर कैसे बनते हैं, मजबूत बनते हैं, मीन्स सीमेंट से घर मजबूत बनता है कच्चा हाउस के कंपेरिजन में. वी ऑल्सो थॉट दैट वी वुड यूज सीमेंट. हम भी चाहते थे कि हम सीमेंट यूज करें. वी यूज आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम. और हमने घर बनाने के लिए सीमेंट आयरन और सीमेंट का यूज किया घर की छत बनाने के लिए, रूफ बनाने के लिए. दे प्रिपेयर्ड कच्चा हाउस एंड इन द कच्चा हाउस दे यूज मड स्ट्रो मीन सोडस्ट सोडस्ट काउडम एंड बांबू कनीबेट्स branches of main trees extra and now they are preparing pakka house and they use unbreak bricks like bela that is the stone that is found from the sea coast, from the mines near the sea coast. Bela is a type of unbreak bricks that they are using and then cement, iron, etc. So these things are used for making a pakka house. In those days, unbreak bricks, bela were also available in the market and we made the walls with them. और उस समय में unbreak bricks जो बेला कही जाती है, that is the one kind of stone which found from the mines at sea coast. और ये unbreak bricks ऐसी होती है जो sea coast यानी दरिया किनारे या समुद्र के किनारे जो mines होती है वहाँ से मिलती है. We made the walls with them और उससे हमने यानी घर बनाया. The use of bricks was beneficial. Beneficial means profitable, means लाभकारक था इसका यूज करना. Now we did not need to coat the wall. अब हमें यहाँ जो कोटिंग करते थे हम मड से और कार्डन से वो कोटिंग करने की जरूरत नहीं थी. वंस इन ए ईयर वी वुड वाइट वॉश वॉल्स. और साल में एक बार हम लोग क्या करवा सकते हैं, चूना करवा सकते हैं. वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्ट यार्ड. कोर्ट यार्ड मीन द स्पेस बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द हाउस जिसे हम आंगन कहते हैं, दैट इज नोन एज कोर्ट यार्ड. तो उन्होंने एक छोटा सा किचन बनवाया कहाँ पर, कोर्ट यार्ड में. द किचन हैड अ मड चूल्हा. और उस किचन में क्या था, चूल्हा था, एक मिट्टी का बना हुआ चूल्हा था. एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स और बर्तन रखने की जगह थी. देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ केम टू अवर न्यू हाउस. और उसके बाद मेरी शादी हुई और मेरी वाइफ जो हमारे नए घर में आई. टू बुक्स यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन. और खाना बनाने के लिए वो क्या करती थी,
वो किचन में जमीन पर बैठकर खाना बनाती थी, फ्लोर पर बैठकर खाना बनाती थी, फर्श पर बैठकर। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन, और हम सब चटाइयों पर बैठते थे एंड ईट टुगेदर, और एक साथ खाना खाते थे किचन में बैठकर। वी इट वॉज अ हैप्पी टाइम, और ये कैसा समय था, बहुत ही खुश रहते थे हम, बहुत खुशी वाला समय था। सम टाइम पीपल यूज टू गो आउट टू फील फॉर टॉयलेट इन दोज डेज, एंड इन दोज डेज सम पीपल आर गोइंग आउटसाइड फॉर द टॉयलेट, और वो यानी ओपन फील्ड में टॉयलेट जाते थे। दे वर यूजिंग ओपन फील्ड। सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस, और कुछ घरों में क्या था, एक स्मॉल प्लेस होती थी टॉयलेट के लिए अलग से। एंड वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट एंड विथ अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस, और हमने भी घर के पीछे के भाग में क्या बनवाया था, एक टॉयलेट छोटी सी बनवाई थी अनबेक्ड ब्रिक्स से, जिसे हम बेला कहते हैं ना, दैट बेला, फ्रॉम दैट बेला दे मेड अ टॉयलेट इन बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे उन्होंने एक टॉयलेट बनाई थी। मोर चेंजेस, अन्य परिवर्तन, कुछ और परिवर्तन। माई सेवन सन्स एंड डॉटर एंड अ डॉटर वर बोर्न इन दैट हाउस, मेरे सात बेटे और एक बेटी का इसी घर में जन्म हुआ था। टाइम पास, और समय जाता रहा। द चिल्ड्रन कम्प्लीटेड देयर स्टडीज, और बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। 20 years ago आवर डॉटर जामी गॉट मैरिड एंड मूव टू राफू विलेज। वॉट वॉज हैपन्ड, उसकी जो बेटी थी उसने 20 years पहले शादी हुई उसकी, एंड सी मूव टू राफू विलेज, मीन्स वन मेंबर फ्रॉम हिज फैमिली डिक्रीज ड्यू टू द मैरिज। मैरिज की वजह से उसकी बेटी क्या, वो दूसरी फैमिली में गई, दूसरे विलेज गई, सो वन मेंबर डिक्रीज फ्रॉम हिज फैमिली। व्हेन माय सन लाखा गॉट मैरिड वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड, और जब मेरे बेटे की शादी हुई तो हमें ऐसा लगा कि हमें नई वधू के लिए एक और रूम, एक यानी घर फिर से प्रिपेयर करना चाहिए, अच्छे से रेडी करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बैक ब्रिक्स, अब यानी टाइम चेंज हो गया, सो एवरीवन यूज बैक ब्रिक्स, बेला की जगह जो रेड ब्रिक्स आती है हम यूज करते हैं, वैसे ही ब्रिक्स यूज करते हैं, बैक ब्रिक्स। बेला वॉज अनबेक ब्रिक्स एंड द ब्रिक दैट वी आर यूजिंग दैट इज बैक ब्रिक्स, जो पक्का हुई ईंटें होती है, एंड दे प्रिपेयर पक्का हाउस विद द यूज ऑफ बैक ब्रिक्स। ओके, we also used them for the walls and instead of bamboo and roof tiles we used iron, grit gravel and cement. Now they use iron and then grit gravel, jo concrete hum bolte na, grit gravel, iron and sand, means ab humne bamboo roof tiles ke badle mein ग्रीट ग्रेवल, सीमेंट और आयरन का यूज किया, जो जिसे पक्का यानी छत, पक्की छत बनाई जा सके। इन द टॉयलेट्स वी पुट पाइप टू टेक अवे द वेस्ट, और जो टॉयलेट्स हैं उसमें हमने पाइप रखी जिससे वो जो वेस्ट है वो बाहर निकाला जा सके। द किचन वॉज मेड बिगर, और पहले से किचन बड़ा बनाया। नाउ लाखाज वाइफ इज यूजिंग मर चूल्हा रेयरली, अब लाखा की वाइफ मर चूल्हा मीन्स मिट्टी का चूल्हा रेयरली यूज करती, वो क्या यूज करती थी, बिकॉज शी इज कुकिंग ऑन गैस स्टोव, बिकॉज वो अब किस पे खाना बनाती है, गैस स्टोव पर, गैस पर खाना बनाती थी। नाउ सीइंग न्यू थिंग्स, अब नई नई चीजें देखने के लिए, माई ग्रैंड सन इज नाउ लिविंग सेपरेटली एंड बिल्ट हिज न्यू हाउस, और मेरे जो ग्रैंड सन मीन्स मेरा जो पोता है, मीन्स हियर नीला भाई इज टेलिंग द स्टोरी अबाउट हिज फैमिली, तो वो बताते हैं कि नीला भाई का पोता जो अब कहाँ रहता है, अलग रहता है सबसे, और उसने अपना नया घर बनवाया है। ही हैज टू गो फॉर शॉपिंग इन द सिटी, और शॉपिंग के लिए मीन्स शॉपिंग खरीदी करने के लिए वो शहरों में जाता है। देयर द बिल्डिंग्स आर वेरी ह्यूज, वहाँ पर जो इमारतें हैं वो बहुत बहुत बड़ी हैं। मैनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर फाउंड देयर, और बहुत तरह की सुविधाएं भी वहाँ देखी जाती है। ही इज द सन ऑफ अ न्यू जनरेशन, वो नई पीढ़ी का लड़का है, जनरेशन मीन्स पीढ़ी। ही बिल्ट हाउस विद द फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स, किचन एक्स्ट्रा विच वी फाइंड डिफिकल्ट टू बिल्ड अप, और उसने जो अभी ये जो घर बनवाया है उसमें टॉयलेट, किचन, सभी आधुनिक फैसिलिटीज मीन्स अभी की जो मॉडर्न फैसिलिटीज है उससे बनवाया है, जो हमारे लिए कैसा था, डिफिकल्ट था। फ्यू ईयर्स एगो लखा रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड बाथरूम, और कुछ समय पहले लखा ने भी अपना घर मीन्स अपने बाथरूम और टॉयलेट रिनोवेट करवाया, मीन्स रिपेयर करवाया है। ही यूज कलर टाइल्स इन द बाथ इन हिज बाथरूम, और उसने अपने घर में कैसी कलर टाइल्स यूज की है। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ, अब आप अनुभव कीजिए, आप सोचिए कि इतना सारा पैसा सिर्फ नहाने के लिए
खर्च करना. आई एम नाउ 80 ईयर्स ओल्ड. इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मेनी चेंजेस इवन इन माई हाउस, इवन इन माई ओन हाउस, एंड आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी. और अब मैं 80 ईयर्स का हो चुका हूँ, मीन्स मेरी उम्र 80 साल हो गई है. और इस समय में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं मेरे घर में भी. और अब मुझे पता नहीं कि मेरे जो बच्चे, मेरे जो पोते पोती हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं मेरे, वो कहाँ रहना चाहते हैं या कैसे अन्य उनके घर होंगे, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है. वॉट आर द हाउसेज लाइक इन अल्यार्स टेंडो विलेज टूडे. और अल्यार विलेज, अल्यार में जो हमारा यानी टेंडो विलेज था अल्यार डिस्ट्रिक्ट में, वो अब कैसा होगा वो भी पता नहीं है. मीन्स वहाँ भी चेंजेस हुए होंगे. एंड आई ऑल्सो थिंक दैट वेयर वुड माई ऑल चिल्ड्रन बी नाउ. और मेरे सारे फ्रेंड्स कहाँ रहते होंगे इसके बारे में मुझे पता नहीं है. उनके बारे में भी मैं सोचता हूँ. विच मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस. आपके घर किससे बने? एज यू ऑल नो आवर हाउसेस आर पक्का हाउस, सो दे आर बिल्डिंग सीमेंट, आयरन, ग्रीट, ग्रेवल एंड सैंड, एंड देन स्टोन एंड बैक ब्रिक्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. I will send PDF in our WhatsApp group of this chapter, and we will meet soon in our online session to solve your doubts and queries. Thank you and have a nice day.